अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो अभी जो हमने देखना है वो हम लोगों ने देखना है लीफो, फीफो और एवरेज और आइडेंटिफिकेशन मेथड को। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये मेथड्स बेसिकली हम लोग इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए देख रहे होते हैं। अगर हम लोग पहले मेथड की बात करें आइडेंटिफिकेशन मेथड की, तो सपोज कर लेते हैं हम लोगों ने कोई एक चीज़ है, कोई कार है, टॉय कार, ठीक है, एक हमने परचेज़ की है। एक दफ़ा फर्स्ट टाइम जब हमने परचेज़ की है वो बल्क में परचेज़ की है और पर जो है वो हमें कार की प्राइस 12 आरएस लगी है। ठीक है, सेकंड टाइम हमने परचेज़ की वो हमें 15 आरएस की मिली और थर्ड टाइम हमें जो परचेज़ की है वो हमें 18 आरएस की लगी है। अगर तो हमें ये प्राइसेस ऐसे ही पता है और हमें क्वांटिटी पता है कि हमने फ़र्स्ट टाइम में कितनी की थी, सेकंड में कितनी थी और थर्ड में कितनी मतलब परचेज़ की है, तो हम लोग आइडेंटिफिकेशन मेथड के अंदर ये करते होते हैं कि हम लोग उसी प्राइस के अकॉर्डिंग जो है उसको सेव करके रखते होते हैं कि हम लोगों को इतनी जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने इतने में ख़रीदी थी, हमारी इन्वेंट्री में इतनी जो कार्स हैं वो इतने में आई हैं और जो दूसरी इतनी कार्स हैं वो इतने में आई हैं। ठीक है, थर्ड टाइम का। तो अगर हम लोगों को नहीं पता तो हम लोग क्या करते होते हैं, जब हमने सेल्स भी करनी हो या कुछ भी करना हो तो हम लोगों को मैनेज करने के लिए ये तीन मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं। वो तीन मेथड्स क्या होते हैं, हम लोग ये चेक कर लेते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि जो हम लोगों ने सबसे लास्ट पे इन्वेंट्री हम लोगों ने दी है ना, अंदर चीज़ परचेज़ करके रखी है, हम उस प्राइस के ऊपर जो है वो सेल करते होते हैं। बाद में हम लोग फर्स्ट प्राइस के ऊपर आते हैं। सपोज़ हम लोगों के पास कोई भी इन्वेंट्री में हम लोगों को सेल करनी है, हमारे पास इन्वेंट्री में ये चीज़ें पड़ी हैं, तो हम क्या करेंगे, 18 जो रुपीज़ है उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो अपनी सेल करेंगे फर्स्ट टाइम। ठीक है, अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट की बात करती हूँ तो मैं, फिर जब यहाँ से थर्ड वाला सारा बल्क का हमारा सामान ख़त्म हो गया फिर हम लोग इसके ऊपर जाएंगे, इस प्राइस के ऊपर सेल करेंगे, फिर हम इस तरह जो है वो पीछे जाते जाएंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि हम लोगों के पास जब हमने सेल करनी है तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट प्राइस के ऊपर परचेज़ की थी हम उस प्राइस के ऊपर जो है वो सेल करेंगे वो प्रोडक्ट को। ठीक है, और उसके जो है वो मतलब प्राइस जो है वो हम लोग लिखेंगे सारी की सारी। और सेकेंड टाइम जो है हम लोगों के पास ये बल्क ख़त्म हो गया तो हम लोग इस पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे सेकेंड वाले पे, और थर्ड टाइम जो है हम लोग फिर इसके ऊपर आ जाएंगे। और एवरेज का मतलब ये होता है कि हम लोग एवरेज ले लेते होते हैं, एवरेज जितनी भी वैल्यू आती होती है इन सब की एवरेज 15 आती है, तो हम लोग एवरेज जो होती है वो प्राइस लिख लेते हैं और एवरेज प्राइस लगा के हम लोग सेल करते होते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, वो हम लोग मतलब जो भी है वो सेलिंग प्राइस लिखते होते हैं अगर हमें नहीं पता होती तो। ठीक है, इस ये बेसिकली जो है हमारे परफॉर्मेंस पे बिल्कुल भी इशू नहीं मतलब इफेक्ट नहीं करता किसी भी किस्म का हमारे बिज़नेस की, लेकिन हाँ ये रिपोर्टिंग पे बहुत इफेक्ट करता है। रिपोर्टिंग पे कैसे इफेक्ट करता है, उसका ये है कि हम लोगों को लीफो के अंदर जो है वो कम प्रॉफिट शो होता होता है और फीफो के अंदर हमें प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा शो होता होता है। इसी तरह हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स जो है वो लीफो के अंदर हमें ज़्यादा शो हो रही होती है और फीफो के अंदर कम, सेम गोज फॉर इन्वेंट्रीज। लेकिन अगर हम लोग दोनों का देखें तो दोनों का टोटल जो होगा वो हमारे पास एवरेज आएगा, टोटल ये दोनों एवरेज हमें शो करवाएंगे। तो रिपोर्टिंग के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है इसके अंदर बेसिकली हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन में पहले हम लोग देख लें, चेक करें। तो एक तो हमें दिया गया बैलेंस, ये स्टार्टिंग बैलेंस होगा हमारा, ठीक है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखना है। उसके अलावा हमारे पास परचेज़ प्राइस दी गई है, दो दफ़ा हम लोगों ने परचेज़ की है उसकी प्राइस दी गई है। फिर हमने जो सेल की है उसका बताया गया कि कितने यूनिट्स हैं, लेकिन प्राइस कोई हमें पता नहीं है, वो हम लोगों ने खुद फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, ये हम लोग इन मेथड्स में चेक करेंगे। अगेन ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा फोल्ड करके रख लूँ। ये हमारे पास होता है पैटर्न, लीफो, फीफो और एवरेज तीनों का पैटर्न सेम है। ये हमें टेबल एज इट इज़ ही बनाना पड़ेगा। तो इस टेबल को देख लें, हम लोगों को तीन कॉलम्स हैं, परचेज, सेल एंड बैलेंस। ठीक है, अब परचेज, सेल और बैलेंस जो है वो आगे डिवाइड हो रहा है नंबर ऑफ़ यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल। अगेन नंबर ऑफ़ यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल। साथ में हमें डेट मेंशन करनी होती है, डेट हमें यहाँ पे दी होती है, तो हम लोगों को थोड़ी हम लोगों ने बस वो डेट्स लिखनी है ताकि हमारे पास रिकॉर्ड्स रहे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। हम लोग फर्स्ट देखते हैं हमारे पास बैलेंस जो है वो 10 यूनिट्स पर, हमारे पास कॉस्ट जो है वो 10 है। ठीक है, हम लोगों ने बैलेंस वाले में आए, हमारे पास यूनिट कितने हैं 10, हम लोगों ने 10 लिख दिया। कॉस्ट पर यूनिट क्या है 10, क्योंकि ये कॉस्ट पर यूनिट दी गई है वो 10 लिख दिया। अब टोटल करते वक्त इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 100 जो है वो हमारे पास इस वक्त जो है वो बैलेंस आ गया है हमारा। ठीक है, अब अगला हम लोग देख लेते हैं परचेज, परचेज़ की बारी है, परचेज़ के कॉलम में आ जाओ। हमारे पास कितने यूनिट्स हैं 10, हम लोगों ने 10 लिख दिया, और हमारे पास कॉस्ट कितनी है 11, हम लोगों ने 11 लिख दिया। टोटल कितना बन गया 110। अब जब हमें यहाँ पर अगेन लिखना है तो हम लोग इसको सम अप या कुछ नहीं करेंगे, हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। ये हमारा पुराना आ गया और ये हमारा जो है अब ये वाली जो वैल्यू है ये वाली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है,
ये हमारे पास आ गई सेकंड वाली। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, अगेन हमने परचेज की है, 5 हमने आइटम्स जो हैं वो परचेज किए हैं और 12 रुपीज़ की प्राइस पे, ठीक है, 5 हमने किए हैं 12 की प्राइस पे और टोटल हमारे पास हो गया 60 कॉस्ट। अब यहाँ पे जब हमें लिखना है 10, 10, 100, ये तो हमारी पुरानी वैल्यूज़ आ गई और उनको एज इट इज़ लिख देना है, कोई चेंजिंग नहीं आएंगी अभी तक हमारे इन वैल्यूज़ में। और अब जो है जब सेल करेंगे सिर्फ तब चेंज आएगी, उससे पहले कोई चेंज नहीं आएगी। अब आगे हमारे पास सेल की एंट्री, हमने 10 यूनिट जो है वो सेल करने, हमने सेल के यूनिट्स में यहाँ पे लिख दिया। अब हमें प्राइस नहीं पता, जब हमने 10 कहा है कि हमने सेल करने, तो हम क्या करेंगे, हमने ये बात की है लीफो की, हम लास्ट इन फर्स्ट आउट पे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर एग्जैक्टली 10 नहीं लिख देना। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पर हमारे बैलेंस में हमारे पास ये कितने यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हम लोगों 12 की प्राइस पे जो है वो हम सेल कर देंगे। लेकिन हमने यहाँ पे कहा है हमें टोटल कितने सेल करने, हमें 10 करने, तो हमें 5 जो और हैं वो इन्वेंट्री में से देखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर हम इस लाइन पे आ जाएंगे, ये लास्ट लाइन ख़त्म होगी, अब हम इस पॉइंट पे आएंगे, यहाँ से हम लोग जो है वो 5 ले लेंगे, 5 लिए कितनी प्राइस पे, 11, तो ये हमारे पास कितने बन गए, 55। तो हम लोग इनमें से 10 में से 5 जो थे यहाँ से हम लोग अपनी इन्वेंट्री से निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो बचेंगे वो फर्स्ट लाइन वैसे की वैसे ही, क्योंकि उसे हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, ओके। अब इस 10 में से हम लोग 5 ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो जो पीछे बच गए हमारे पास 5 हमने वो लिखा, जो प्राइस थी वो लिखी, और अब हमारे पास जितने पैसे बचते हैं यहाँ पे हमने वो लिख दिया। तो हम लोगों ने अपनी इन्वेंट्री से लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट पे जो हमने इन किया था हमने उसको पहले सेल किया है और फिर हम लोग ऊपर गए हैं, ठीक है, इस तरह। तो हम लोगों ने वो प्राइस यहाँ पे लिखी है। अब नेक्स्ट अगेन हम लोगों ने परचेज किए, 10 यूनिट्स परचेज किए हैं और उसकी प्राइस क्या है, 13, तो ये हमारे पास हम लोगों ने परचेजिंग प्राइस लिख दी है। अब जो है हम लोग यहाँ पे अगेन अपनी जो इन बैलेंस है या इन्वेंट्री उसे अपडेट कर रहे हैं, 5, 11, 55, और यहाँ पे आ गया 10, 13, 130। अब लास्ट में हमारे पास अगेन सेल है और 15 आइटम्स जो है वो हमने सेल करने हैं। अब हमने 15 आइटम्स सेल करने हैं, तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, हम अगेन सबसे एक साथ सेल ही कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक साथ सेल करने की प्राइस सेम नहीं है, हमारे पास डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लोग ये लास्ट वाला जो हमारे पास इन्वेंट्री में पड़ा है 10, हम लोगों ने इसको ले लिया, कितनी प्राइस पे था, 13 पर यूनिट, 130 के हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसके ऊपर आ जाएंगे सेकंड के ऊपर, क्योंकि ये सारी की सारी हमारे पास लाइन ख़त्म हो गई, यानी कि ये हमारे पास जो जितना भी आइटम्स थे हम सेल कर चुके हैं। अब इसके ऊपर आए हैं, तो इसके ऊपर क्या है, हमने 5 और किए क्योंकि हमें टोटल 15 चाहिए थे, अब हमारे पास पूरे हो गए, तो ये हमने 11 रुपीज़ पर यूनिट की प्राइस के ऊपर सेल किए, तो हम लोगों ने वो प्राइस यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री में वापस क्या बचता है, हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था वही वापस बच गया। ज़रूरी नहीं है कि ओपनिंग बैलेंस बचे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ हमारा ओपनिंग बैलेंस बच रहा है। तो ये हमारे पास थी ओपनिंग बैलेंस, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री का जो था, और ये हमारे पास था क्लोजिंग एंट्री, इसको हम लोग कह देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, या फिर हम इसे कह सकते हैं एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है, क्लोजिंग एंडिंग में से कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था लीफो के अकॉर्डिंग। अब अगली जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको यही क्वेश्चन जो है वो फीफो के अकॉर्डिंग करवा के दिखाऊंगी, और अगला तो हम देखेंगे एवरेज के अकॉर्डिंग। तब तक के लिए अल्लाह।